गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग चीजू। जय गुरु जी। तो नाश्ते में इनको इनकी फरमाइश का चीला दिया गया है, मटर सूजी का चीला विद वेजिटेबल्स। सूजी है किसकी? तुम्हारी? आपकी? नहीं, मेरी एकदम फर्स्ट क्लास है। गुड मॉर्निंग पार्थ। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरे को ना नीचे वाला बेड कवर चेंज करना है, इसलिए जब मैं बोलूंगी तो उठ जाना दोनों। ओके जी। फ्रेंड्स, आपके चीजू को नाश्ता करा दिया है चीले का, और अब है बारी गर्मा गर्म प्याज के पराठों की। तो ये तैयार हो रही है मम्मी पापा की नाश्ते की थाली। प्याज का, धनिया का मिक्सचर, ये सब हरी मिर्च के साथ, लहसुन अदरक, बढ़िया सा दही के साथ, मक्खन के साथ। आ जाओ, आप भी खाओ। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है बेडिंग ठीक करने का और बेड कवर बदलने का। आपके जीजू और पार्थ अभी बेड पे नहीं है फिलहाल। पार्थ उस रूम में अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, और मोहित गए हैं मार्केट कुछ प्लम्बर का सामान लेने। मम्मी पापा के बाथरूम में लीकेज हो रही है, नीचे वाले आए थे बोलने कि हमारे बाथरूम तक आ रही है सीपेज, तो आप ठीक कराओ। तो अभी प्लम्बर को बुला के दिखाया कि भाई क्या दिक्कत है, तो उनका जेट बदलने वाला है, वो लीक कर रहा है। तो बस आपके जीजू गए हैं प्लम्बर की शॉप पे, वहाँ से लेकर आएंगे सामान। तब तक मैं पूरी बेडिंग ठीक कर लेती हूँ। लो जी, हमने कर दिया चेंज बेड कवर, बेडिंग वगैरह सब सेट कर दी। अभी बस ये आएंगे, वापस से गुत्थम गुत्था हो जाएगा सारा कुछ, बट फिलहाल के लिए तो कर दिया है। अब चलते हैं किचन में। तो किचन में जाने से पहले मेरा अभी अभी एक कोरियर आया है मिंत्रा का, इसको खोलते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली बहुत सारी शॉपिंग करी, विंटर्स के कपड़े मंगाए मोहित के, पार्थ के। ये है ये स्वेटशर्ट, बॉर्न टू रोम। ये मैंने अपने लिए ही करी थी, मुझे इसकी लेंथ छोटी लग रही है। बैगी स्टाइल चल रहे हैं ना आजकल ये ऊपर वाले टॉप। और मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने ये ब्लैक जीन्स ऑर्डर करी है। आजकल जो जीन्स चल रही हैं ना, वो भी थोड़ी लूज वाली चल रही हैं और हाई वेस्ट चल रही हैं, लो वेस्ट वाली नहीं। तो ये एक मैंने ब्लैक जीन्स मंगाई है अपनी, ये स्ट्रेट कट है और ऊपर से थोड़ा हाई वेस्ट है। और एक मैंने ये मंगाई थी पहले, इससे पहले आई थी, ये बेल बॉटम्स हैं, लेकिन थोड़ा चौड़े वाले बेल बॉटम्स। ये देखो ऐसे, इसका भी बिल्कुल सही फिट आया है मेरे को। और एक लाइट ब्लू और एक ब्लैक, जो नॉर्मल ब्लू कलर है वो तो मेरे पास दो तीन हैं। तो वो वाली टॉप आई थिंक इसके साथ भी जाएगी, उसके साथ भी जाएगी, है ना। और एक मैंने स्वेटर भी मंगाया है, बहुत ही प्यारा कलर है, फिरोजी, बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ है गाइस। इसका हाई नेक है, ये इसकी नेक है, रुको, ये देखो ये इसकी नेक है, ये इस तरह से प्लेन है। यहाँ कुछ बना हुआ था ना, हाँ रोडस्टर का है। तो ये भी अच्छा लगेगा, ये भी इनफैक्ट दोनों जीन्स के साथ जाएगा। तो ये तो मैंने अपनी शॉपिंग करी थी, और आपके जीजू के लिए जो करी थी एक तो सेट, वो भी पहन कर गए हुए हैं बाहर। और पार्थ के लिए एक स्वेटर और लोअर लिया था कार्गो। ये रही मैं, सुबह से मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई ना शायद। जय गुरु जी। तो गाइस, वो आपके जीजू भी आ गए। आओ जी। तो आई, तुम अपना नीचे का कार्गो बदल गए, ऊपर का भी हैं जो कपड़े पहने थे। गाइज ये नहीं है वो कपड़े, तो इनका अपना नाइट वगैरह का है, ट्रैक वगैरह, वो इन्होंने उतार दिए, सुबह पहने हुए थे। और मिल गया, हर टाइम हीरो नहीं लग सकते ना। ओह माय गॉड, कभी कभी सुपर हीरो भी लगना। ओह माय गॉड, ये तुम टोपी में सुपर हीरो लग रहे हो। पूरा सेट मिला है, एमटी का मिला है? एमटी का नहीं मिला। तो खाली जेट का वो लाया, हैंडल या पूरा सेट आया? हैंडल ही लाया। और अगर पाइप में प्रॉब्लम हुई तो? तो पाइप ले आएंगे बाद में। ये ले आया हूँ मैं, वाइट सीमेंट। हाँ वाइट सीमेंट नहीं है, ग्राफ्टिंग का, वो ग्राउटिंग, ग्राउटिंग का। और ये भी ले आया। ठीक है, ये क्या है? ये मास्क लाया हूँ N95 रात के लिए। ओह माय गॉड गाइस, कोरोना जो है फिर से दस्तक दे रहा है सब जगह, न्यूज़ देख रही हूँ मैं रोज़। इंडिया ने भी बहुत, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है, और पास ये एयरपोर्ट पे भी चेकिंग होने लगी, जो बाहर से आते हैं उनके टेस्ट भी हो रहे हैं रैंडम रैपिड टेस्ट, क्योंकि कोरोना फिर से बवाल मचा रहा है। एनीवे मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग टचवुड गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक हैं। तो हम अक्सर ना एंड ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं छोटे ट्रिप के लिए जाते हैं, दो तीन दिन के लिए घूमने। तो पिछले साल हम इसी टाइम गोवा में थे, इस टाइम नहीं आए। चेंज करवा दो, बुला के उसे। हाँ
चेंज करवा दो बुला के। मतलब कहाँ से चेंज कर लोगे, देख लो करके चेंज रुकता है पानी तो, नहीं तो उसको बुला लेंगे। बात ही नहीं कोई पूरी होने दे रहा मेरी। तो हमने, मोहित ने बोला कि प्रिया घूमने चलना है, मैंने कहा अभी अभी तो सब ठीक हुआ है, कहाँ जाना है घूमने। तो अक्सर ज़्यादातर हम लोग ऋषिकेश तो जाते ही हैं एक दो साल में एक बार, मोहित को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला चलो एक ही दिन के लिए चलते हैं, ऋषिकेश चलते हैं। और अब ना हम ऐसे होटल्स में नहीं ढूंढते, क्योंकि पिछली बार गोवा गए थे याद है क्या, ऐसे गड़बड़ हुई थी। तो मोहित ने कहा कि इस बार B&B ढूंढेंगे जहाँ हमें अपनी किचन मिले, हम खुद कुकिंग कर सकें मैं। तो इसलिए हमने एक दिन का ऋषिकेश का प्लान किया, हम 6 जनवरी को जाएंगे, 7 को वापस आ जाएंगे। तो जी हमने अपना एक वीडियो एडिट करके डाल दिया है मकबैंग वाला, और आप किचन में बनाते हैं लंच के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। ये रहा हमारा पैन, अब मैं ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ फ़ोन, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। जीरा ऑलमोस्ट तड़कों में वही चीज़ें पड़ती हैं, सिंपल सिंपल सा लगाती हूँ। हींग, थोड़े से खड़े मसाले बहुत ज़्यादा हैं, और प्याज लहसुन और हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने मटर बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, तो अभी प्याज को अच्छे से सौते करते हैं, लहसुन लहसुन सब भून जाए। तो जी हमारा प्याज सौते हो गया, अब इसमें हम डालते हैं मसाले। तो मैं डालूंगी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, और सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लेम मैंने लो कर दिया है, नहीं तो मसाले जो हैं जल जाएंगे। नमक डाल देंगे। अभी मेरा तो ये ट्राईपॉड एकदम मस्त चल रहा है गाइस, जो मैंने लिया था ना 499 का अमेज़ॉन से, मैंने आपको बताया था, थोड़ा छोटे साइज़ में लिया है किचन के कुकिंग शूट करने के लिए। तो हालांकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मेरा काम चल रहा है अभी तक, टचवुड कोई इससे गड़बड़ नहीं हुई है, और बिल्कुल ठीक हाइट है। फ़ोन लगाने में थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है मुझे, बट लग जाता है, मुझे प्रैक्टिस हो गई है कैसे लगाना है एकदम मस्त। तो ये हमारा मसाला भून रहा है, 2 मिनट मैं अभी रोक कर फिर से स्टार्ट करती हूँ, तब तक मसाला भून जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। लो जी मसाला भून गया बढ़िया तरीके से, और ये मैंने पनीर को क्रश करके रखा है, ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। पनीर मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, जितना आपको नमक चाहिए है ना। साथ में इसमें जाएगा फ्रेश हरा धनिया, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं, ये आपकी मर्ज़ी आप डालो या ना डालो। और कसूरी मेथी तो ज़रूर जाएगी भाई, इसके बिना तो फिर कसूर हो जाएगा अगर नहीं डाला हमने, है ना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम करके हिलाते हुए स्टर करते हुए भूनूंगी भुर्जी को ना, थोड़ा तेल छोड़ देगा ना जब ये भुर्जी, एकदम मस्त। लेकिन उसको भूनते रहना है कॉन्टीन्यूसली, नहीं तो जहाँ जहाँ से पनीर नीचे बैठा रहेगा ना, वो एकदम क्रिस्पी और चीड़ा चीड़ा सा हो जाएगा, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, नीचे लग जाता है। ऐसी थोड़ी सी ना लूज़ लूज़ और ऐसी भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, इसलिए इसको हिलाती रहूँगी मैं 2 मिनट तक, इसको हिलाकर पकाते हैं। पॉज करती हूँ मैं वीडियो को। लो जी हो गया, और ये हमारे मटर बॉईल होकर सॉफ्ट हो गए एकदम, लास्ट में मैंने डाल दिए इसमें मटर, मिक्स एंड मिक्स अच्छे से, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। और फाइनल टच हमारा देसी घ्यो। आलो जी फिर आ जाओ, तुम हूँ असी बनावांगे गर्मा गर्म फुलके, ते नाले सलाद कटांगे, ते गजब दी गदर भुर्जी नाल खवाओगे खाना अपने परिवार वालों, ठीक है जी। इन थोड़ा जहाँ मैं ढक दिया।
वो फ्लेम हो गया बंद। तो जी मैंने सैलेड कट कर दिया है, उधर भुर्जी तैयार है, यहाँ तवा गर्म हो गया है, ये मैंने निकाल लिया है फुलके बनाने के लिए सब सामान। और फुलके अब शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बनाऊंगी पापड़, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैं पहले तवे पे पापड़ सेक लेती हूँ, फिर फुलके बनाते हैं। तो जी सबको खिला दिया खाना, ये लास्ट चपाती मेरी है, इसके अंदर है फ्लैक्स सीड पाउडर। तो मल्टीग्रेन आटे का पेड़ा बना के मैं उसको थोड़ा सा बेल के उसके अंदर दो चुटकी फ्लैक्स सीड पाउडर भर लेती हूँ, फिर उसका पेड़ा दोबारा बना के ये हेल्दी रोटी हो गई मेरी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी सवारी निकल पड़ी है और हम जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर। फाइनली गुरु जी का बुलावा आ गया, 2 हफ्ते मिस हुए ना मोहित हमारे, 2 वीक्स मिस हुए हैं, बीमार थे सब घर पर, हम नहीं जा पाए। तो अब फाइनली आज हम जा रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर। ओम नमः शिवाय। ये रहे आपके जीजू, और ये रहा पार्थू, हेलो, और ये रही गुरुजी दी गड्डी। गाइस आज तो इतनी सारी कार्स आई हुई हैं, इतनी सारी संगत आई हुई है, बाप रे कितनी ह्यूज पार्किंग है आज तो। गाइस ये रहे मेरे दो अनमोल रतन, ऐसे पार्थ हूँ मैं, ऐसे पार्थ मेरे को भी। इट्स योर दीदी, जय गुरुजी, आ जाओ। चलो जी, जय गुरुजी, दर्शन कर लो जी। और यहाँ पे ये न्यू ईयर की पूरी तैयारी हो रही है, टेंट शेंट लग रहे हैं 31st के लिए। हेलो जी, हम आ गए वापस गुरुजी के बड़े मंदिर होके, बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ हमें गुरुजी के दरबार में बैठ के। जो अनुभूति होती है ना वो अद्भुत होती है, बस बता नहीं सकती। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। ये रहे फिर से हमारे दो अनमोल रतन। हेलो हेलो हेलो, डबल हेलो बॉयज। दोनों अपने अपने फोन में व्यस्त हैं गाइस, देख लो ये कलयुगी परिवार है, सब अपने अपने फोन में। मैं बात कर रही हूँ, हेलो हेलो फोन में लगे पड़े हैं। हमने हेलो मतलब वो अलग बात है कि मैं भी फोन में ही लगी पड़ी हूँ, व्लॉग कर रही हूँ। सारा कलयुगी परिवार, ठंड लग रही है, हॉट वॉटर चल रहा है, दरवाजा तो बंद करो, ठंड तो अभी बंद। मैं जा रही हूँ ना किचन में, मैं जा रही हूँ किचन में डिनर बनाने। डिनर में बना रही हूँ गोभी आलू, सर्दियों में गोभी की बाहर आती है, गोभी खाओ सुबह दोपहर शाम गोभी खाओ। इधर आओ, जरा एक मिनट आओ, लगता है जीजू को कुछ याद आया है। हाँ जीजू सुना दो, सही लग रहे हैं, टकला दिखा रहे हो अपना, दिखा दो। ए भाई साहब रुको, मस्त बाल उग रही ला रे, मस्त अभी उग गए नहीं तो झड़ेंगे, पर हमको तो लग रहा है रे पूरा उग गया है रे, अभी झड़ेंगे ये, फिर उसके बाद उगेंगे। हाँ तो क्या फरमाना चाहते हैं आप? चावलों की क्वालिटी बहुत गिर गई है आजकल। चावल चावल बनाऊं? नहीं हाँ, पहले जैसे वाइफ हस्बैंड पे टिक्का लगा के चावल फेंकती थी, ऐसे टिक्का लगा के तिलक लगा के, ओके, है ना, तो 98% चावल बालों में रह जाते थे, 2% नीचे गिरते थे। अब ऐसा करते हैं, तिलक लगा के चावल फेंकते हैं, 2% ऊपर रहते हैं, 98% नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि बाल ही नहीं होते। अरे चावल की क्वालिटी खराब हो गई है, सारा आदमी भी टकले की क्वालिटी खराब हो गई है। समझ गई तुम? ये देखो, ये जो अपने नरम नरम उंगलियां अपनी लगा रहे हैं सिर में, उसमें से नारियल का तेल लगा रहे हैं। हाँ ये पीछे से थोड़ा सा रह गया बस, बाकी सब जगह से दर्द खत्म हो गया। शुक्र है, जय गुरु जी। अब मैं जाऊं? हैं, परमिशन मांग के जा रही हो तो ठीक है, जाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ मैंने परमिशन दे दी, हम कितना बोलोगे? नहीं जाऊंगी मैं, यहीं पे रहूंगी। हाँ मत जाओ, मेरा मन नहीं मैं जा रही हूँ। नहीं रुकूंगी, अब नहीं रुकूंगी, अब जो मर्जी बोलते रहो, नहीं मैं नहीं सुन रही।
गाइस गोभी आलू कट चुके हैं और अब थोड़ी देर में बोलूंगी पक चुके हैं। तो गोभी आलू की तो अभी कुछ वीडियोस व्लॉग पहले ही आपको दिखाई थी मैंने, वैसे ही बनाने वाली हूँ है ना। तक खाना बन रहा है तब तक मैंने एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न्स रखे हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न्स ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मैंने 180 डिग्रीज पे रखा है फॉर 5 मिनट्स। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत ट्राई करना एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न। वैसे मैंने एक बाउल दे दिया उनको भर के, लेकिन नीचे इतने सारे बच गए हैं। 10 मिनट लगा दिए मैंने पर नहीं हुए, पीछे से धुआं भी आने लग गया और ऊपर से ये देख रहे हो आप, अंदर से देख रहे हो ऊपर जो उसकी राउंड राउंड सरफेस होती है उसमें जाके पॉपकॉर्न अटक गए 5-6। अरे अभी भी एक है तो मेरे को वो फोक से निकालने पड़े, पता चले एयर फ्रायर ख़राब हो गया इस पॉपकॉर्न के चक्कर में। लोग कुछ भी डाल देते हैं आई थिंक यूट्यूब पे ना, पता नहीं किसने बनाया था वीडियो एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न बनाओ। भाई निकल जा, खड़ा मत रह, आ जा। ओ भाई निकलना, पंगा ना ना कर दे ये अंदर ही एयर फ्रायर में। आ जा प्लीज़ बेटे, अरे आ जा यार प्लीज़, आ जा भाई मेरे प्लीज़, नीचे आ रहा, आई लव यू। हाँ आता आया, आई लव यू टू, तुझे भी यार। आ जा, आ गया, गुड बॉयस। देखा चलो एयर फ्रायर में मत ट्राई करना। पहले मैंने नीचे फॉयल लगाया था, उन्होंने बोलता फॉयल लगाओ, तब तो एक भी दाना नहीं फूटा। फिर मैंने फॉयल हटाया तो बनने शुरू हो गए पॉपकॉर्न, इतना सारा वेस्ट। इसको कुकर में बना देती हूँ जब मेरी गोभी हो रही है। वाह वाह हो चुकी है, अब इसमें डालते हैं टमाटर। देखें आलू, यस